बिल्कुल, ये दूसरी टीम बनी बाबे साहब जिन्होंने 80 के ऊपर का लक्ष्य चेस किया है। पहले यवल स्पोर्ट्स ने चेस किया था, इसमें रविश खोत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, और आज तकदीर माली की बदौलत मराठा पंजाब बी ने चेस किया। तो अपना फील्ड सजा ले नाना स्पोर्ट्स, एक भिवंडी तालुका की बड़ी टीम को फिर से हम एक्शन में देखने जा रहे हैं। इस वक्त दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आ चुके हैं, हमारे अंपायर्स मैदान में जाने की तैयारी में। ये देखिए आईपीएल अंदाज में गेंद को उठाएंगे, देखिए अंपायर शकील कोटी। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों आज सहपैर है, तेज हवाएं बह रही है, मैदान पे सूरज आबोताब से चमक रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस बेस्ट ऑफ क्रिकेट बाली ट्रॉफी में। खेल की शुरुआत हो रही है, पावर प्ले में जो मैंडेटरी पावर प्ले है उसमें आइए, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए शाहिद खान। तो दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर, स्ट्राइक पर है बैट्समैन अयाज, नॉन स्ट्राइक पर मुकीम। ये देखिए स्विस टू बोटिक, तौसीफ की देन, जो अब बाली ट्रॉफी में खूबसूरत बैक्स के साथ वापस आ चुके। पहला ओवर लेके आ रहे इस वक्त नाना स्पोर्ट्स की ओर से कुमार, पर लेकिन नहीं पहुंच पाए आसानी से दो रन पूरे। मदन चौधरी झुकी नहीं पाए, हालांकि मिस टाइम स्ट्रोक था, काफी देर तक हवा में गेंद थी। आज दोस्तों 23 फरवरी है और आज ही के दिन एंडी फ्लावर ने अपना डेब्यू किया था ओडीआई में 1992 में, और डेब्यू में ही उन्होंने 105 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ। आज हर्षल गिब्स का जन्मदिन है, 1974 में जन्म हुआ था हर्षल गिब्स का, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे वर्ल्ड कप 2007 में। कुमार इस बीच गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, बैट फुट पे चले गए सीधा इस वक्त फील्डर के हाथों में, बहुत बढ़िया कैच, बढ़िया बैलेंस वहां पर था बाबे सर, और कहा जा सकता है कि बड़ी विकेट गिरती हुई। कैच को समाप्त किया अक्षय ने, पता चाहिए वहां पर असरार अंसारी के कुर्सी पे ना बैठने का अंजाम क्या होता है। पहली विकेट गिरती हुई इस वक्त, अब स्ट्राइक पर है मुकीम, जो अर्जुन राणा तुंगा की शैली में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन देखना एक बड़ी टीम के सामने किस तरीके की इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं उनके ऊपर काफी कुछ डिपेंड रहेगा इस वक्त। बिल्कुल आप पानी पी सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी आपके पीछे खड़े थे, आप जाके बैठे हैं, वो आपके बाई जो है वो पीछे खड़े थे, आप बैठे हैं। कुमार फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर है इस वक्त मुकीम। तो इस वक्त ताहिर खान और पीके ने कॉम्प्लीमेंट दिए अल्ताफ बाली ट्रॉफी के लिए, मेरे बहुत अजीज दोस्त की सराहना करनी होगी कि यार बारीकी पे उनकी नजर है जो कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचा रहे। बिल्कुल बाबे सर, पॉइंटर स्पोर्ट्स ने जो मेहनत की इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए, इसमें जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शॉट गेंद थी, बैट फुट पे चले गए, केवल पुश किया, फील्डर का बैलेंस नहीं, गेंद जा रही है इस वक्त पॉइंट बाउंड्री की ओर, तेज दौड़ जरूर लगाई वहां पर, देखना है आखिरकार गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
इनके पढ़ने का इंतजार किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ केवल टैप किया, खिलाड़ी से मिसफील्ड होता हुआ गेंद रिकोशेस होती हुई बाउंड्री के बाहर पॉइंट पर, चार रन। मुकीम का चौके से खाता खुलता हुआ स्कोर इस वक्त 6 रन एक विकेट के नुकसान पर कैरिबियन स्पोर्ट्स। कुमार फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार। इस बीच एक गेंद लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, शरीर से गेंद टकराई, शॉर्ट टर्मिनल पर मदन के हाथों में जाती हुई, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, रन नहीं लिया वहां पर, स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन, पहले ओवर का खेल चल रहा है। अगले मुकाबले के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा जेएमबे टिमगढ़ के कैप्टन और पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम विकी स्पोर्ट कुकसे के कैप्टन, आप दोनों को आखिरी गेंद से पहले टॉस बॉक्स में रहना जरूरी है। कुमार इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछली, बैट पर गए, क्रॉस दी बैटेड खेलना चाहते थे, पूरी तरह चकमा देती हुई डॉट गेंद। अब अपनी लाइन और लेंथ दोनों को ही इस वक्त सही रखते हुए पहली गेंद जो रूम दिया था वहां पर, अब कुमार शरीर से करीब गेंदों को रख रहे हैं वहां पर मुकीम के। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद फिर से घूम के खेलने की कोशिश, फिर से लगातार डॉट गेंद, तो ओवर समाप्त होता हुआ इस वक्त पहला नाना स्पोर्ट्स का बढ़िया ओवर कह सकते हैं हम। 6 रन दिए जिसमें कुमार ने और एक सफलता आयास के रूप में हासिल की। यस इट हैज टर्न अप, टेरिफिक ओवर फ्रॉम कुमार, कंट्रोल बॉलिंग इन पावर प्ले, रन टू बॉल इक्वेशन 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, नाइस स्टार्ट फ्रॉम सतीश चौधरी फैम टीम नाना स्पोर्ट ए। बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त भावे सर हम कह सकते हैं, ताहिर खान ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए कमेंट्री पैनल के लिए भी, खासकर भावे सर आपकी काफ़ी ज़्यादा सराहना की है। सतीश चौधरी, प्रदीप चौधरी, अल्ताफ बाली, लक्ष्मण चौधरी, वेलकम एवरीबॉडी, तौसीफ, कयाम शेख, रवीश कोता, अकिल सर द फॉर्मर क्रिकेटर, मुजीब हानी, एजाज अशीर, दानिश खोत, अब दूसरा वाले क्या रहे गेंदबाज दीपक। स्ट्राइक पर है बलताफ, इस बीच गेंद इनफील्ड के ऊपर से उठा दिया, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, अब जाके फील्डर ने गेंद को उठाया और 2 रन पूरे किए अल्ताफ ने। अल्ताफ को पता है बाबे सर कि ऑफ स्टंप पे काफी ज्यादा रन है, इनफील्ड के ऊपर से अगर खेला जाए तो आसानी से रन बनाए जा सकते हैं। अच्छा शॉट तो हम कहेंगे क्योंकि ताकत नहीं थी, सिर्फ प्लेस किया था, यही कारण था कि गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल वहां पर टाइमिंग के बलबूते पे खेला था, ताकत वर स्ट्रोक तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन 2 रन इस वक्त स्कोर में जरूर बने। अल्ताफ का खाता खुला, दीपक शॉट गेंद बैटर पे चले गया, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, देखने में भी बहुत सुंदर और खेल इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये दीपक ने वहां पे जगह दी थी, क्या क्लास शॉट खेला है, ताकत का कम और नजाकत का ज्यादा इस्तेमाल, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला था, बहुत खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, पिछले पांव पे जाके जगह बना के खेला हुआ स्ट्रोक, प्लेसमेंट गजब का और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। बिल्कुल बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक भावेश सर, और अच्छा बैट्समैन वही है जो गैप तराशने में कामयाब हो और गैप को तराशे। पावर प्ले में आपको यही क्षमता है जो बैट्समैनों को दी जाती है कि आप इनफील्ड के ऊपर से उठा के खेले और गैप तराशने में कामयाब हो, अल्ताफ वही कर रहे हैं। सो इस बीच गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, अपील भी जरूर, लेकिन 1 रन जरूर पूरा किया मुकीम ने। अब स्ट्राइक है मुकीम के पास, 1 रन इस वक्त स्कोर में भरता हुआ स्कोर, बहुत बढ़िया 13 रन, दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ और मुकीम देखना है पहले ओवर में जो आखिरी 3 गेंदें डॉट खेली थी, क्या उस डॉट गेंदों का इस वक्त
जो कवर अप करते हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त स्थिति अगर हम देखें तो नाना स्पोर्ट्स के सामने दूसरा ओवर चल रहा है अभी तक इतनी बढ़िया नहीं, जिस तरह कैरिबियन स्पोर्ट्स की अगर हम देखें तो बल्लेबाजी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दीपक फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, इस वक्त स्क्वायर लेग लगाया गया है मुकीम के लिए और एक मिड विकेट। बढ़िया गेंद, इस वक्त फुल लेन की गेंद थी, पूरी तरह चकमा देती हुई और लगातार इस वक्त कठिनाई में मुकीम। बहुत अच्छी गेंदबाजी, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, आगे पिच किया था, चॉप करना चाहते थे दूर से। इस वक्त बंटी फ्लोरे सोना देवी के टीमगढ़ ने नाना स्पोर्ट और मदन चौधरी को ऑल द बेस्ट कहा है और संदेश पाटिल ने नाना स्पोर्ट और जगदीश नाइक को ऑल द बेस्ट कहा है। दीपक इस बीच अगेन फिर से इस वक्त लगातार कठिनाई में और कहा जा सकता है कि एक और डॉट गेंद और लगातार पांचवी गेंद डॉट खेली वहां पर मुकीम ने, बिल्कुल जड़ को पकड़ लिया है, जड़ को पकड़ लिया है ये देखिए, क्योंकि उन्हें पता है लगातार आरे बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ऑफ स्टंप और उसके करीब गेंदों को रखा जा रहा है। बिल्कुल ये सही निशानी है गेंदबाज की बाबे सर की, अपनी लाइन और लेंथ बैट्समैन को देख के सिलेक्ट करें कि बैट्समैन की दिशा में स्ट्रोक खेलना चाह रहा है, किस दिशा में उनकी पोजीशन है। फिर से इस बीच छोड़ दिया गेंद और इसी के साथ एक और डॉट गेंद, तो ओवर समाप्त होते हुए इस वक्त दो स्कोर अगर हम देखें तो सिर्फ 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब देखना है कि शुरुआत तो धीमी हुई है लेकिन मिडल ओवर में क्या करते हैं दोनों बैट्समैन, तो आगे का हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर नबील दिवकर। बिल्कुल पप्पू खान खारीपाड़ ने इस वक्त बाली ट्रॉफी की काफ़ी सराहना की है, नए ख्वाहिशात दिए हैं। लक्ष्मण चौधरी, प्रदीप चौधरी टाइगर ऑफ टेमगढ़, सतीश चौधरी, अल्ताफ बाली आयरन मैन, पीछे जुल्फिकार नजर आ रहे हैं, जबकि अल्ताफ के दाई और कयाम शेख स्विज टू बुटीक के प्रोपराइटर तौसीफ। और आगे अगर हम जाते हैं तो फिर यहाँ पर पायनियर के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। थैंक यू शाहिद खान। अब तीसरे ओवर के लिए कुमार को कंटिन्यू रखा गया है, वीआईपीएन से गेंदबाजी कर रहे कुमार, सामना करेंगे अल्ताफ। यवल स्पोर्ट्स के कैप्टन भी वहां नजर आ रहे हैं नदीम। यवल स्पोर्ट्स को कल चुनौती रहेंगी अहमद स्पोर्ट्स की, और देखना है कि बड़ा उलटफेर होता है या नहीं। कल हो गया, एनआर बाहर गई और कल बारी देखना है किसकी। कुमार बहुत खूबसूरत फुलर लेन की गेंद थी, नीचे बैक लिफ्ट से ड्राइव किया गेंद को, दूसरे के लिए जा रहे, सुस्ती बड़ी फील्डिंग, 2 रन पूरे। और नबील रवीश खोत को आउट करने के लिए शाहिद खान ने यूट्यूब पे 4 मरतबा उनकी बैटिंग देखी कि कहाँ वो खेल रहे। बिल्कुल बहुत फॉर्म में भी है रवीश खोत, और देखना है कल क्या करेंगे अहमद स्पोर्ट्स के गेंदबाज रवीश खोत के सामने। इनफॉर्म बल्लेबाज है रवीश खोत, शाहिद खान के पास भी मौका है चौका लगाने का। कुमार मुड़ते हुए अल्ताफ के लिए, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, दूर से कहीं फील्डर आके गेंद को उठाते, 2 रन पूरे। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, स्कोर में 2 रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 17 रनों पर पहुंचा। तीसरी ओवर का खेल जारी है, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी कर रही है कैरिबियन स्पोर्ट्स। ताडा अली में हमारा टेलीकास्ट ठीक से नहीं आ रहा है, प्लीज। कुमार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए डॉट गेंद, बाहर रखा था थोड़ा सा गेंद को, ये देखिए किस तरीके से बीट हुए। बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे बैट्समैन। कुमार के पास विवेकता है, दोनों तरफ गेंदों को मूव कराते हैं। इस बीच ये गेंद उठा दिया हवा में, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और बहुत बढ़िया कैच।
खूबसूरत कैच, दूर से खेला था, जब प्रेशर आप पे डॉट गेंद का रहता है तो इस तरह का शॉट निकलता है। और ये देखिए बहुत बढ़िया कैच, भागते हुए नज़र आखिरी मोमेंट पर गेंद पे थी यश की। यश दिलाते हुए कुमार को कप्तान जगदीश नाइक काफ़ी रिलैक्स हैं, क्योंकि अब तक की गेंदबाजी को हम देखें तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल, अब नए बैट्समैन संदेश जा रहे बल्लेबाजी के लिए, देखना है संदेश क्या संदेश देते हैं नाना स्पोर्ट्स के लिए। टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन को बैठना है, और वहाँ जो भी बैठे हैं पॉइनियर स्पोर्ट उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप लोगों को हट जाना है, चाहे हमारे वॉलेंटियर्स क्यों ना हो। अब स्ट्राइक पर आए हैं मुकीम, नए बैट्समैन संदेश नॉन स्ट्राइक पर। कुमार वीआईपी एंड से मुकीम के लिए। फिर एक बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे मुकीम, फिर एक बार डॉट हुए। लगातार कठिनाइयों में इस मैच में मुकीम। बिल्कुल, ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलना ऐसे ही मानो सहरा में आप पानी तलाश कर रहे हो। इस बार कलाइयों के सारे मोड़ना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर गेंद वाइट। भले से मुकीम सहरा में पानी तलाश कर रहे हैं, लेकिन बाली ट्रॉफी में आपको पानी तलाश करने की जरूरत नहीं। ओम साई चिल्ड वाटर बाली ट्रॉफी की प्यास बुझा रहे। संजय ठाकरे और सुभाष ठाकरे का विशेष आभार। कुमार इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और मुकीम की पारी समाप्त। कुछ करिए, कुछ भी नहीं कर सके मुकीम। और ये देखिए टॉप एज लगा, हालांकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी पूरे सीजन में मुकीम ने की थी, लेकिन एक अहम मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी पे थोड़ी सी मान पड़ गई। ये क्रिकेट है, होते रहता है उतार चढ़ाव, आते रहते हैं। बैट्समैन का फॉर्म आता है जाता है, गेंदबाज का फॉर्म आता है जाता है, टीमें हारती है टीमें जीतती है। आना जाना तो ये लगा रहेगा, जिस तरह दुनिया में आना जाना लगा रहा है क्रिकेट में भी इस तरह आना जाना लगा रहेगा। और वाकई में आने जाने की वजह से ही जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनको श्रद्धांजलि खिराज तहसीन पेश किया है। कल दुनिया से सभी को जाना है और वो भी खाली जाना है। आपके किए हुए काम, आपके किए हुए अच्छी जो अमल है, अच्छे काम है, वहीं दुनिया में रहेंगे, यादें बाकी रहेंगी और सभी को जाना है। इस वक्त कई इलाकों में डेन चैनल पर ये टेलीकास्ट नहीं जा रहा है। बिल्कुल, वहाँ के डेन चैनल आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत इलाकों में हमें कंप्लेंट मिल रही है और कई इलाकों में वॉइस सही नहीं जा रहा है। 250वां कैच था जो बैट्समैन आउट हुए, ये सारा लेखा जोखा मैंने गोल्डन फिंगर साहिबा मोमेंट। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 18 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर अब चौथा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज। दीपक को कंटिन्यू रखा गया हाजी समझ से डिस्टाइनेंट से, निची बैकलिप से खेला है गेंद को, 1 रन पूरा किया। जगदीश नाइक जब तक गेंद को उठाते एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। डेन चैनल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त कई इलाकों में टेलीकास्ट सही नहीं जा रहा है और कहीं कहीं वॉइस सही नहीं जा रही है, वहाँ के ज्वाइंडर से रिक्वेस्ट है के टेलीकास्ट और वॉइस को साफ सुथरा पहुंचाए। दीपक सामना करेंगे संदेश, खेलना चाहते थे कवर्स में, गेंद जा रही है मिड ऑन पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 20 रनों पर पहुंचा स्कोर, बहुत ही धीमी बल्लेबाजी आज हम देख रहे हैं कैरिबियन स्पोर्ट्स की। पिछला मुकाबला बहुत बढ़िया मुकाबला रहा था मराठा पंजाब बी और एमएससी नायगांव के बीच।
रनों की भरमार लगी थी और इस मैच में पैसे की तरह रनों के लिए तरस रही है कैरेबियन। बहुत बढ़िया गेंद, फिर एक बार बीट हुए डॉट गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद खींचा था बाहर बैट्समैन को, ये देखिए पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को, बाल बाल बच गए वहाँ पर, विकेटों के करीब से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। दीपक बार लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग पर, एक रन बना, एक से ज्यादा दूसरी की अपेक्षा भी नहीं की थी बल्लेबाजों ने, बढ़ता हुआ स्कोर 21 पर पहुंचा है। अगला मुकाबला पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम के कैप्टन भावेश पवार और जेम्बे स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स में आना है। दीपक का सामना करेंगे अब संदेश, इस बार बहुत बढ़िया फ्लिक स्ट्रोक, गेंद एक बाउंस में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 22 रनों पर पहुंचा स्कोर। बहुत खूबसूरत गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। 4 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 22 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर, 3 विकेटों के नुकसान पर, क्या कुछ होगा आखिरी दो ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी द वॉइस ऑफ थाना जिला सिद्दीक बाबे सर की। थैंक यू नबील देवकर, ऑन योर टीम मॉनिटर द टाइगर ऑफ टेमगढ़ सतीश चौधरी, द स्पॉन्सर ऑफ नाना स्पोर्ट ए एंड इज ऑल्सो अवर स्पॉन्सर, थैंक्स टू सतीश लक्ष्मण चौधरी राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ हिम एंड प्रदीप चौधरी, अल्ताफ बाली, तौसीफ वॉचिंग, कयाम शेख इज देयर द ब्रदर ऑफ बाली, अनदर वन गेस्ट राइट ऑफ बाली, आई थिंक कैप्टन केविन पीटरसन, ज़ैफ खरबे इज देयर, बिल्कुल कल ज़ैफ खरबे भी एक्शन में नजर आएंगे अहमद स्पोर्ट्स के सामने। यस एंड दिस इज द डेंजरस न्यूज फॉर अहमद स्पोर्ट, नईम शेख वॉचिंग लेफ्ट ऑफ ज़ैफ, सो प्ले बिगिन नाउ, गो ईस्ट और वेस्ट, पायनियर इज द बेस्ट, बाली इज द बेस्ट, यू आर वॉचिंग बेस्ट ऑफ क्रिकेट इन फर्स्ट मैच, टेरिफिक बैटिंग फ्रॉम बोथ साइड एंड फाइनली मराठा पंजाब B1, there is a pin drop silence in Players Pavilion, very worried captain Asrar looking there because runs getting very difficult. Shyam Chaudhary brought into the attack, he is a two type bowler, he bowl medium pace and slower one. Yes, this time a spin in the air, yes he is out, with the spin batsman is straight to right that what is long off. Led against the spin, way from his body, but there is the fielder Rohit right on the whitish long off. Wicket number 4th is gone now, and in place of new batsman in Jitu, wearing a red West Indian Panama head cap like a Richie Richardson. Today is the birthday of Herschel Gibbs, who born in 1974, and today Andy Flower debut ODI 100. Beautiful ball, there is a fair amount of spin, batsman committed on the front foot, bis in the air and off the surface. Umpire having a word because one warning, is bowling
इन डेंजर जोन इज इंटर इन डेंजर जोन नाइस अंपायरिंग फ्रॉम विशाल नाइक. Lot of time umpire Thakkar given a warning to Ishan Sharma in test cricket. This time far from the wicket, spinning way to the batsman, white signal from umpire. 1-2 is gone out. 23 for the loss of 5 wickets. 4 wickets. Still runs getting very difficult. Now Shyam Chaudhary having a word with umpire Vishal Naik. Because last ball, he enter in no foot zone. Nice umpiring from Naik, one of the experienced campaigner. Here goes Shyam Naik, Shyam Chaudhary. Left arm, round wicket. Oh, this time he tried to bowl Chinaman, wide signal. In Nana Trophy, he bowled Chinaman, back arm delivery, but not control on his length and line. Downs to leg side, white signal. Lot of changes in cricket. The off spinner, Dusra in carom ball. The left arm spinner, Armour and Chinaman. The leg spinner, Googly and top on. Lot of changes in cricket. Shyam Chaudhary, left arm over the wicket. This time tucked away. Working on the onside, fielder finds the ball in deep with the stroke, batsman through for one. 1-2 total now, his score was up to 24 for the loss of four important wickets. And I think this is the poor batting from big name Caribbean sport. Next match, Vicky Sport Cooks meet Jambe Timgarpada. Shyam Chaudhary. Left arm over the wicket. Ball this time, leaving edge in the air, man under it. Oh, he's dropped. Drop a simple chance. Deepak is there. Another fine delivery. Flight one, invite batsman out of crease. There is a fair amount of turn in the air and off the surface, resulting thick leaving edge. Sangla chendu hota ane ek sopa jhel. Deepak sodtoy. Here he go. This time use his feet, try to mighty swung. Shyam dropping shot. And batsman once more beats him outside the off stump. Lovely bowling from Shyam Chaudhary. Captain Jagdish Naik, very happy man. He is an informed player in Taluka cricket. This time appeal for LBW. Downs the leg side, I think. Leg by signal. Lot of batsmen in form like Jayesh Patil, Shekhar Dalvi of Vicky Sport Kukse, Jagdish Naik of Nana Sport, Mateen and Munaf, B Indian, Majid Bobre, terrific player is a pioneer, Moti from Moti and Premchand, both are very informed batsmen in this season from Jolly Sport, Kamatkar. Lot of player, Mit Kumar, lot of player in form like Alpesh Chaudhary, short pocket of dynamite, Ganesh. In this season, lot of players done a fantastic job, but focus player, two all-rounder. First, Pintu, Jay Durga, B Sport, and then second, the player who is a great all-rounder, Asif Nana of Usmania. Lalu also informed player for Anjuman Sports. Pratik Bhoir and Dipesh Mali, no doubt at all. Both are a very, very dangerous customer. And Maratha Punjab A, one of the big name. So far they won 2 cups, Vicky won 4 cups, and B Indian won 4 cups. But since from 4 tournament, Maratha Punjab on fire. मित्रांनो आपण पाहतात बाली ट्रॉफी 2016 या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा येतात खारबावरनं मीर मुकादम संपूर्ण परिवारासहित ही स्पर्धा टेलिव्हिजन सेटवरनं पाहत आहेत अतिशय
भव्य दिव्य अशी स्पर्धा आणि आता मात्र क्लीन यन यस टेलिकास्ट चांगल्या रीतीने पोहोचतोय. महेंद्र स्पोर्ट्स बॅट्समॅन व्हॉट अ इनिंग प्लेड फ्रॉम अ प्रिवियस फाईव्ह इनिंग्स मुकेश द इनफॉर्म बॅट्समॅन महेंद्र स्पोर्ट मुकेश पप्या खारीक दिस टाइम ट्राय टू हुक लवली बाउन्सर राईट ऑन इज हेड एंड देर वेर बी नो रन्स. आय थिंक ही रिमो द आई लुक एट डेट ट्राय टू हुक दॅट बॉल. नेक्स्ट मॅच जयेश पाटील शेखर दलवी द इनफॉर्म बॅट्समॅन और विकी स्पोर्ट कुकसे मीट जय अंबे. ऑन दिस ग्राउंड जयेश पाटील मेड 88 रन्स इन कैफी आजमी. दिस टाइम ट्रेवन नाइस लुकिंग स्टॉक टू लॉन्ग ऑन दे गो फॉर वन एंड लुकिंग फॉर अ सेकेंड हेजिटेशन बिटवीन बोथ बैट्समैन फाइनली इजी टू रन्स. सो टू मोर टू टोटल नाउ 29. दिस इज द डिसअपॉइंट क्रिकेट इन सेकेंड मैच. इन फर्स्ट मैच वॉट अ क्रिकेट 81 टारगेट चेसिंग बाय मराठा पंजाबी इन 5 ओवर्स. वॉट अ टुरेफिक बैटिंग फ्रॉम आती जूनियर तकदीर माली एंड सम पिंच हिटिंग फ्रॉम बंटी एंड वॉट अ बैटिंग फ्रॉम फिरोज एज फार एज एम एस सी कंसर्न इन फॉर्म बैट्समैन. दिस टाइम शॉर्ट पुल्स इट इन द एयर वन बाउंस टू डीप एक्वाट स्क्वायर लेग रोहित इज देयर बैट्समैन टेकन टू. दिस इज द पुअर रनिंग बिटवीन द विकेट बाय दीज टू बिकॉज टुडे इज अ हॉट आफ्टरनून इयर. Score is 31 for the loss of 5 wickets. Zulfikar yesterday played a superb stroke. This time played beautifully, walked away on the onside in front of his legs and batsman taken two. And remember the shot of a Bali Trophy played by Sachin yesterday night. Sachin Gaikwad helicopter stroke delivery of the year bowled by on this ground from Sagar Mit Kumar to Munaf the Indian hard hitting batsman. This time hooks that ball in the gap for 4. First nice stroke, first confident looking stroke, hooked as ball like in style of Rohit Sharma because he is committed on front foot, then changes his stroke. His score was up to 37, still not a very good total as far as sunlight concerned. Lovely delivery, change of pace and that marks end of the 6th over, end of the inning, 37. For the loss of 6 wicket. Over samapt hue 6 aur 37 run bane 38 ka lakshya rakha hai. Aaiye agle mukable ke liye toss box mein dono captain is waqt maujood hain. Pandurang Dharma Patil fam team ke captain Bhavesh Pawar bhi maujood hain. Ab wahan pe toss ke liye ja rahe mere saathi commentator the magical voice of Marathi Dr. Gawli sir. धन्यवाद सिद्दीक बाबे. तो अगले मैच का टॉस होने जा रहा है. इस वक्त दोनों टीम के कप्तान पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम विकी स्पोर्ट कुक से कप्तान भवेश पवार और जे अंबे गवलीपाला टीम के कप्तान. गवली सर आपकी मालूमात के लिए कि अल्ताफ बाली के दोनों बड़े भाई इस वक्त टॉस करने के लिए जा रहे हैं नईम शेख और कयाम शेख. सन्मानाने नेम शेख तसेच सन्मानाने कयाम शेख आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक करणार आहेत. दोन्ही संघाचे कर्णधार माझ्या सोबत आहेत प्रणय जे आंबे टेंबरवाडा संघाचे कर्णधार त्याचबरोबर वेलकम प्रणय त्याचबरोबर भावेश पवार विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाचे कर्णधार आपलंही हार्दिक स्वागत आहे. नईम शेख साहेब त्याचबरोबर कयाम शेख साहेब आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे टॉस बॉक्समध्ये वेलकम.
यावेळेला टॉस होतोय एका बाजूला या स्पर्धेचे सर्वेसर्व अल्ताफजी आणि दुसऱ्या बाजूला बाली ट्रॉफी. प्रणित जो कने अल्ताफ या ठिकाणी मान्यवरांच्या शुभहस्ते सुरुवातीला कॉइन त्यानंतर पायनियर स्पोर्ट्स यांच्याकडनं देण्यात आलेली बॅग आकर्षक बॅग ही सुद्धा जे एम बे टेमगरवाडा संघाचे करणारा प्रणय आहे त्याला आपल्या शुभहस्ते देत आहेत. प्रणय नाणेफेक जिंकलेले आहे. समोरचा एक बलाढ्य संघ समोर उभा आहे कारण तालुका क्रिकेटचा विचार जर केला तर जवळपास विकी स्पोर्ट कुक्सी आणि बी इंडियन सध्या पहिल्या क्रमांकावर एक चार स्पर्धा या संघाने जिंकलेल्या आहेत. महत्त्वाची स्पर्धा आहे बाली ट्रॉफी एक नामांकित स्पर्धा आहे. काय निर्णय आहे प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. काय रणनीती असणार आहे क्षेत्ररक्षण करताना समोरचा जो संघ आहे बलाढ्य संघ आहे खास करून पॉवर प्लेमध्ये आणि ह्या संघाकडे 11 स्टार खेळाडू 11 फलंदाज आहेत. क्षेत्ररक्षण करताना पॉवर प्लेमध्ये समोरच्या संघाला किती धावांपर्यंत खास करून पॉवर प्लेची दोन षटकं आहेत यामध्ये कुठले गोलंदाज तुमच्याकडे आहेत पॉवर प्लेमध्ये चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी आणि 6 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत कमीत कमी किती थांबवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. भिवंडीतील सर्वात नावाजलेला समोर संघ असल्याकारणाने आव्हानात्मक काय रणनीती वापरावी लागेल आणि पहिल्या दोन पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये जगन्नाथ आणि योगेश्वर धुरा सांभाळण्यासाठी देणार होतो आम्ही. बाली ट्रॉफी 2016 जर विचार केला दरवर्षी आपण पाहतोय अल्ताफ बाली अजमल नाशिककर शाहिद पापा पायनियर स्पोर्ट्स क्लब काहीतरी नवीन देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. यावेळेला आपण बघितलेल्या संपूर्ण मैदानाचा नजर टाकले अतिशय मैदानाची जळगण बघितलं चांगल्या रीतीने केलेली आहे. मॅजिक बॉक्स त्याचबरोबर प्रेक्षकांना बसण्यासाठी एक चांगली सोय करण्यात आलेली आहे. तर या स्पर्धेविषयी काय वाटतंय. खूपच चांगलं असं आयोजन केलेलं आहे तसंच खूपच चांगलं असं नियोजनही बघता येईल आपल्याला. इथे मॅजिक बॉक्स चांगल्या प्रकारे स्टँड बनवलेले आहेत. भिवंडीत सर्वप्रथम आता ही पहिली स्पर्धा झाली आहे की एक आगळंवेगळं प्रक्षेपण आपल्याला पाहायस मिळतं. एक बलांड्या संघाबरोबर खेळताना प्रेक्षकांना एक चांगला सामना बघायला मिळणार आहे. ही रंगतदार सामना होईल असं वाटतंय. हो निश्चितच. ऑल दी बेस्ट प्रणय आपल्या संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा. भावेश विकी स्पोर्ट कुकसे संघाचं नाव घेतलं की एक तालुका क्रिकेटमधील नामांकित संघ म्हणून नाव येते कारण स्टार खेळाडू या संघामध्ये खेळताना दिसत आहेत. परंतु सुरुवातीला नाणेफेक हरल्यानंतर काय फरक पडणार आहे. फरक तर काय नाही पडणार. नाणेफेक हरल्यानंतर तुम्हाला स्व फलंदाजी करायची आहे. 11 स्टार फलंदाज आहेत. 11 खेळाडू चांगली फलंदाजी करत असतात मात्र या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये कारण जे एम बी टेमगरफाडा हा एक लढवय्या संघ आहे. बऱ्याचशा वेळेला मोठ्या संघांनासुद्धा पराभूत करण्याची क्षमता ह्या संघामध्ये आहे. तर किती धावांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल की जेणेकरून तुम्ही या संघाला पराभूत करू शकता. 60-65 धावांपर्यंत. पॉवर प्लेमध्ये कुठल्या फलंदाजांना जास्त अपेक्षा असतील कारण पहिल्या सामन्यामध्ये बघितलं होतं की अजय भुईर त्यानंतर शेखर दळवी यांनी अतिशय आक्रमक फलंदाजी केली होती. यामध्ये काय बदल करण्याचा प्रयत्न असणार आहे पॉवर प्लेमध्ये आणि अजून कुठल्या फलंदाजाकडनं अपेक्षा असतील. बदल तर काय नाही होणार आणि संदीप तारे यांनी जरा माझ्या टीमसाठी जरा केला. भावेश पवार कित्येक स्पर्धेमध्ये तुम्ही खेळतात केवळ भिवंडी तालुका नव्हे ठाणे जिल्हा नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील बऱ्याचशा नामांकित स्पर्धेत तुम्ही खेळतात परंतु ह्या स्पर्धेमध्ये खेळताना काय अनुभव येतोय कारण नेहमीच म्हटलं जातं ईस्ट वाय वेस्ट अल्ताफ बाली इज द बेस्ट पायनियर इज द बेस्ट आणि जेव्हा डिसिप्लिनचं नाव येतं मी समीकरण तयार केलेलं आहे. गणितामध्ये काही समीकरण असतात ए अधिक बी बरोबर ए बी त्याप्रमाणे मी तर समीकरण तयार केलेलं आहे अल्ताफ बाली अधिक पायनियर स्पोर्ट्स क्लब बरोबर डिसिप्लिन शिस्त असे समीकरण आहे. तर काय वाटतं या स्पर्धेविषयी. चांगलं असं आयोजन केलं आहे आणि बॉलिंग सर बोललं तर चांगलं केलेलं आहे आणि मॅजिक बॉक्स पण पहिल्यांदा भिवंडीमध्ये झालेलं आहे. ऑल दी बेस्ट तुमच्या संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्रांनो यानंतर जो सामना होणार आहे या सामन्यामध्ये जे एम बी टेमगरपाडा संघ कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि विकी स्पोर्ट कुकसे संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये समालोचक कशामध्ये जाऊया त्या ठिकाणी आमचे समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे ठाणे जिल्ह्याचा फलंदाबाद सिद्दीक बाबे सज्ज आहे. बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों जयेश पाटील की बल्लेबाजी को देखना ना भूलिए देखना ना भूलिए शेखर की बल्लेबाजी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक महिंद्रा क्योंकि बल्लेबाजी की दावत दी है वहाँ पर. और ये देखिए नेविया बॉल
दिखाया जा रहा है। हमारे अंपायर्स इस वक्त मैदान में जाने की तैयारी में, बिल्कुल आईपीएल तर्ज पर वो गेंद को उठाएंगे। अंपायर्स इस वक्त शकील कोटी, फैज रईस और विशाल नाइक जाते हुए, अंपायर्स तीनों जा रहे हैं मैदान में। अंपायर मैदान में जा रहे हैं और जो गेंद रखी है स्टैंड पे उसको अब यस विशाल नाइक ने उठाया है। तो दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए और इनिशियल ओवर के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं डॉक्टर गवली सर, क्योंकि स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है। अगला मुकाबला जहां पे टॉस जीता है जेम्बे टेमगढ़ ने, बल्लेबाजी की दावत दी है विकी स्पोर्ट कुकसे को। जो टीमें हमारे दाईं ओर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टैंड है खासतौर से बाईं ओर स्टैंड है, वहाँ छाँव है, वहाँ जाके बैठे और उन्हें श्रद्धांजलि दें जो इस दुनिया में नहीं रहे। धन्यवाद सिद्दीक भाभी। सतीजी चौधरी यांना आपण पाहू शकता, नाना स्पोर्ट संघाचे सर्वे सर्व आणि आमचे एक स्पॉन्सर। अडतीस धावांचं एक माफक लक्ष समोर ठेवून सलामी चिरडे मैदानावर नाना स्पोर्ट्स। पहिला सामना आपण बघितला, हाय स्कोरिंग सामना होता, आपण ज्याप्रमाणे बाटला केला होता, मराठा पंजाब 20 संघाने 81 धावांचं लक्ष सहजगत्या पार केलं होतं, ते म्हणजे तकदीर, आतिश, त्यानंतर बंटी यांच्या विस्फोटक फलंदाजीच्या बळावर। आणि दुसरा सामना एक लो स्कोरिंग सामना बघायला मिळतोय, 38 धावांचं लक्ष आहे, क्षेत्ररक्षण लावलं जाते, रणतुंगा भुवंडी बुकिम एसटी रक्षक एसटी पासून दूर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, चार क्षेत्ररक्षक ऑफ साइड ला, पांचवा क्षेत्ररक्षक जातोय ऑफ साइड ला शॉर्ट कवर साठी, पांच क्षेत्ररक्षक ऑफ साइड ला, चार क्षेत्ररक्षक ऑन साइड ला, अल्ताप येतोय पहिला षटक हाताळण्यासाठी। पहिला चेंडू आणि उज्वेष्टीच्या थोड़ा सा बाहर न पडल्यानंतर थोड़ा सा बाउंस होतोय, निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ति सलामी चिरडीच्या मैदानावर आहे। बिल्कुल आतिश से सीखना चाहेंगे किस तरह से आतिश ने बल्लेबाजी की थी। हालांकि अल्पेश चौधरी बहुत क्लास स्ट्रोक प्लेयर है ऑफ साइड के, लेकिन पहली गेंद को आड़ा खेलना चाहता हूं। अल्ताप याला मात्र चिल्ला फटका खेळला चेंडू जातोय, तो व्हाट इज लॉन्ग ऑन ला पहिली धाव, अतिशय दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दोन धावा पूर्ण होत आहेत, थ्रो चांगला येत नाही, मात्र दोन धावा अल्पेश पूर्ण करतोय, आपल्या संघाचं खातं उघडतोय। पहिल्या सामन्यामध्ये अल्पेश चौधरी आणि श्याम चौधरी यांनी 66 धावांची भागीदारी केली होती आणि श्याम चौधरी सामनावीराचा किताब पटकावला होता। अल्ता यामध्ये चॉफ केलेला चेंडूला शॉर्ट थर्ड मॅनला जातोय, धावाची शक्यता आहे मात्र डायरेक्ट हिट होत नाही आणि श्याम चौधरी सुखरूप पोहोचते क्रीज मध्ये, चौथी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यामध्ये यश आलेलं आहे। जर डायरेक्ट हिट झाला असता तर कदाचित पंचांना त्या ठिकाणी विचार करावा लागला असता, कारण तीन धाव मात्र होत आहेत, तीन धाव खेळतोय अल्पेश चौधरी आणि आता मात्र खेळण्यासाठी सज्ज होते श्याम यांनी। पहिल्या सामन्यामध्ये अतिशय विस्फोटक फलंदाजी केली होती आणि पहिल्या सामन्यामध्ये 66 धावांची अति महत्वपूर्ण भागीदारी या दोघांमध्ये झालेली होती आणि त्या भागीदारीमुळेच संघाचा विजय साकार झाला होता, कारण 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये जर चांगली फलंदाजी, एखादा जर फलंदाज टिकून राहिला आणि जर पार्टनरशिप भागीदारी जर झाली तर एक चांगली धावसंख्या उभी राहू शकते। आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सुद्धा आपण कित्येक वेळा बघितलेलं आहे। अल्ताप यानंतर
शाही के लिए चेंडू मिडन लाते सरल एक धाव पूर्ण करते श्याम अपना खाते उगड़ते धाव संख्या होती चार समोर जे लक्ष्य है माफक लक्ष्य है आस्किंग 100 आवश्यक धाव गति जी थोड़ी 6 पेक्षा जास्त है ये बघितल्यानंतर थोड़ा सावध पवित्रा पहिल्या षटका मध्ये खरं तर पॉवर प्लेच षटक है अलताप यावेळेला मात्र अपील केला जातोय आणि क्वाडीबाईन अल्पेश याची खेळी संपुष्टात हालांकि आज अल्पेश खेली अच्छा नहीं रहे थे जब उन्होंने पहली गेंद खेली थी देखिए वाइट गेंद पे बल्ला चलाया इनसाइड एज लगा और आउट हो गए खराब बल्लेबाजी की है अल्पेश चौधरी ने और खराब गेंद पर भी आउट हुए अगदी बरोबर पहिला चेंडू पासून आपण बघितला तर अल्पेश याचा खेळ खरं चांगला बघायला मिळत नव्हता कारण पहिल्या चेंडूचा ज्याप्रमाणे खेळण्याचा जो प्रयत्न केला होता आडव्या बॅटनं एक चांगल्या फलंदाजी खूण म्हणता येणार नाहीये बिल्कुल और दिखाया जा रहा था कि अल्पेश के आउट होने के बाद जिस तरह का उन्होंने विकेट फेंका था उनके करता धरता सतीश चौधरी थोड़ा सा मायूस नजर आए नए बैट्समैन वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक इन फॉर्म बैट्समैन है और पिछले जितनी भी स्पर्धाएं हुई है नाना स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी की जो कहानी है वो इन उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहे हैं The class is permanent, the form is permanent. This is the perfect time. He is the captain of Nana. He is a Puru himself. He is the wonder of P&D. नक्की जगदीश नायक ते संघाचा कर्णधार कारण अल्पेश लवकर बाद झालेला आहे अल्ताप पहिला चेंडू आणि चांगला फटका मंदळ नाही चांगला चेंडू होता खाली राहतो आणि निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती अतिशय उत्कृष्ट षटक हाताळले आहे पॉवर प्ले मध्ये मित्र म्हणे की नाना स्पोर्ट संघाचा पुअर प्ले बिल्कुल टीमगढ़ भादवर यहाँ की जितनी भी टीमें आती है मैंने देखा है कि थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करती आपके पास लक्ष्य 38 है और पहले ओवर में यहाँ तारीफ करना होगी असरार अंसारी ने जो चाल चली थी वो सफल हो चुकी ये देखिए सतीश चौधरी साथ में लक्ष्मीमान चौधरी प्रदीप चौधरी तौसीफ स्विस टू बोटिक कयाम शेख आगे की रो में हानी बैठे हुए हैं पीछे जुल्फिकार नजर आ रहे हैं साथ में अल्ताफ बाली इम्तियाज बोलिंजकर साहब भी हमारे बीच में हैं आपका भी हम इस्तकबाल कर रहे हैं एक बात तो जरूर है गवली सर के ये जो 5 महीने रहते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट भी आते हैं अब मेमोरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है हम लोगों की लेकिन अगर पूरे तालुका को का अगर हम चेहरा देख के पहचाने एक बात कहूँगा अमिताभ बच्चन को किसी ने कहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ इस गेंद के बाद कहूँगा मैं सोयल तो गोलंदाजी करण्यासाठी फुल टच चेंडू आणि बिरकावून दिलेला आहे डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय 6 धावांसाठी षटकार बहुत आसानी से खेला था जैसी गेंद वैसी नसीहत दी थी इतनी आसान गेंद और हवाओं का साथ हवाओं के साथ बहती हुई गेंद चली गई 6 रन सोहेल यार मतलब शॉर्ट बॉल चेंडू हवेत आहे चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय झेल सुटला जातोय चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर जातोय 4 धावांसाठी खराब फील्डिंग हम कहेंगे बचने की कोशिश की थी वहां पर एक क्षण असं वाटत होते की नक्की झेल होईल कारण जवळपास चेंडू पर्यंत पोहोचू शकला होता आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकतो झेल घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलेला नाही सोडून दिलं
कह रहे हैं कि गेंद घूम गई हवा में. सोहेल याला मात्र एक चांगला चेंडू होता, ड्राइव केलेला चेंडू जातो मिड विकेटला, पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली, मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही कारण एकाच धावर समाधान मानलं जात आहे. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 15. कैरेबियन ने जब भी अच्छा टोटल बनाया तो मुकीम ने अच्छी बल्लेबाजी की. आज मुकीम नहीं चले इसलिए कैरेबियन का जो टोटल था वो उतना ज्यादा नजर नहीं आया. अपन जो सामना पातो है नाना स्पोर्ट्स विरुद्ध कैरेबियन स्पोर्ट्स, पण आज मात्र कैरेबियन संघाप्रमाणे कैरेबियन स्पोर्ट्स का अंदाज बघायला मिळालेला नाही पहिल्या सामन्यामध्ये. याला मात्र अखूट टप्प्याचा चेंडू होता, हुक करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, थोडासा टर्न झाला होता चेंडू, तेही महत्वाचं आहे. बिल्कुल, तालुका क्रिकेट में कई ऐसे बैट्समैन हैं जो तेज गेंदबाजी को तो बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन स्पिन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी नजर आती है. एक धाव मात्र मिलते जगदीश ने, एक धाव पूर्ण करते हैं, धाव संख्या होती 16. सोहेल एक स्पिन गोलंदाज है, याला मात्र हुक केलेला आहे, चलो लॉन्ग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय, 6 धावांसाठी षटकार. प्रेक्षकांनी त्या ठिकाणी झेल घेतलेला आहे. बिल्कुल, रेलिंग पे बैठ के कैच लिया, आपको आना है, 1000 रुपये हम आपको दे रहे. ये देखिए किस तरह से हुक शॉट खेला था, लेकिन इसे तो अंदर रहना चाहिए. जिस तरह ये देखिए बैलेंस रख के उन्होंने कैच पकड़ा है, खिलाड़ी ने तो नहीं पकड़ा था. या वेळेला मात्र एक चांगला चेंडू होता, निर्धावच्या रूपाने चेंडू जी समाप्ती मध्ये, आता मात्र दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक चांगल्या स्थितीमध्ये येतोय. हे पाहू शकता आपण कशा प्रकारे झेल घेतलेला आहे, स्वतःला संतुलित केलेला, खाली पडणार नाही ही काळजी घेतलेली आहे. पुन्हा एकदा पाहू शकता आपण, नक्कीच माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्धिक बाबा या ठिकाणी माहिती पुरत आहेत की त्यांनी खरं तर मैदानाच्या आतमध्ये राहणं गरजेचं होतं कारण ह्यापूर्वीचा झेल जो सोडला होता. वेलकम, बहुत अच्छा कॅच पकडा लेकिन डेंजर झोन में. तिसरं षटक बॅटिंग पॉवर प्ले, दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 22. अजून जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे. स्वाद होने की आवश्यकता है. आइए खेल रोक कर हम बाबू को 1000 रुपये का इनाम देने जा रहे हैं जो रोशन बाग में रहते हैं और उन्होंने काम भी रोशन किया और शाम को भी अपने रोशन किया है. सतीश चौधरी के हाथों से हम आपको 1000 रुपये का इनाम देने जा रहे हैं. अच्छा कैच पकड़ा, बाबू को इनाम दिया जा रहा है. और बाबू आप जब आपको टेलीविजन सेट पे आपके घर वाले देखेंगे तो जरूर कहेंगे घर में क्यों सोए हो, बाली ट्रॉफी में जाओ. सतीश चौधरी यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य होतं कारण हा झेल जो आहे हा सीमारेषेच्या बाहेर पकडलेला आहे, कदाचित आतमध्ये पकडला तेवढं स्मित हास्य त्यांच्या चेहऱ्यावर नसतं. काय होतंय यानंतर समालोचन करण्यासाठी सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा फलंदाबाज सिद्धिक भावे. बावीस रन एक विकेट गंवाने के बाद, 2 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी के लिए अल्ताफ को बुलाया गया है. इस मार दबा सीधा स्ट्रोक तीर की मानिंद, 6 रन वहां नहीं मिलेंगे ब्लू पर्दे के पीछे. ब्लू पर्दे के पीछे स्टैंड में और ब्लू पर्दे के पीछे वहां खड़े रहने से हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइनें हैं वो इफेक्टिव हो सकती है और डिस्टर्ब भी रहता है बाउंड्री के खिलाड़ी को. क्या शॉट खेला था जगदीश नाइक ने, एक और जन्नाटेदार स्ट्रोक 4 रन. वंडर ऑफ भिवंडी, वंडरफुल अब बल्लेबाजी करते हुए. और
बिल्कुल, आप ब्लू पर्दे के पीछे पकड़ते हैं तो 1000 रुपये और ये इनाम बढ़ा दिए जाएंगे। दोनों 12वें खिलाड़ियों के हम आप इंटरव्यू भी लेना शुरू कर देंगे। इस मरतबा फ्लाइट दिया था, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, गेंद विकेट कीपर के पास। कितने रन चाहिए? 6 रन चाहिए। जगदीश नाइक इस वक्त 11 पर, जबकि श्याम चौधरी हा चेंडू मात्र बघितला स्वैर चेंडू आहे, डावे स्टीच्या बाहेरून जातो आणि पंच विशाल नायकांचा इशारा होता वाईट बॉल। ऑफ ब्रेक गेंदे करने की कोशिश की है वहां पर। मैच में कुछ बचा नहीं, सिर्फ ये बचा है कि नाना स्पोर्ट ये मैच कितनी जल्दी जीतती है और देखना है कि जगदीश नाइक कोई वंडरफुल सिक्स के साथ मैच को खत्म करते हैं या नहीं। ये लगा छक्का और गेंदबाज हो गए अक्का बक्का, जबरदस्त इसको। तो अभिनंदन अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेशली सतीश चौधरी टाइगर ऑफ टेमगर, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप चौधरी कैप्टन ऑफ नाना जगदीश नाइक एंड नाना स्पोर्ट अल्पेश चौधरी एंड हार्ड लक असरार अंसारी एंड हार्ड लक मुकीम एंड हार्ड लक कैरेबियन। आइए दोस्तों, हबीब सुपर बाउंड्री का इनाम जा रहा है कैरेबियन के अल्ताफ को। अल्ताफ आपको आगे आना है, हबीब सुपर बाउंड्री, हबीब फैब्रिक, हबीब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और हबीब अंसारी की देन। अल्ताफ आपको आगे आना है हबीब सुपर बाउंड्री के लिए। अल्ताफ कम फॉरवर्ड प्लीज। बहुत खूबसूरत उन्होंने 2 चौके लगाए। और आइए हम आपको टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी के हाथों से हबीब फैब्रिक का वो नमूना दे रहे हैं, शटिंग और शूटिंग ड्रेस मटेरियल। हडलक अल्ताफ कम फॉरवर्ड प्लीज। अल्ताफ मैंने हडलक अल्ताफ कहते हैं कि गवली सर बहुत अच्छा एक जुमला करते हैं, कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। आपकी शुरुआत बहुत ख़राब रही, मुकीम आज टच में नज़र नहीं आए, यही कारण था अच्छे रन नहीं बने और आप वो मुकाबला हारे। क्या कहना चाहेंगे आज के परफॉर्मेंस के बारे में आपके टीम के? परफॉर्मेंस आज तो बहुत ख़राब था, आप देख ही रहे थे, बॉल बहुत ज़्यादा डॉट हो गया, इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर में आए और रन नहीं बना। कहते हैं कि सीखता वो है, कहते हैं कि गिरता हुआ है जो चलता है, लेकिन गिरना तो नहीं छोड़ता। नहीं, क्या कैरेबियन अगले जो टूर्नामेंट है वहाँ पर एक अलग तैयारी से आएंगी? हाँ एकदम, बालाजी चषक होने वाला है, उसमें 26 तारीख को मैच है, इसमें इंशाल्लाह और अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। ऑल द बेस्ट। आइए उस्मान सुपर सिक्सेस का हम इनाम देने जा रहे हैं। खिलाड़ी का नाम है वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक। जगदीश नाइक का क्रिकेट डे का दोस्तों देखना ना भूलिए, बल्लेबाजी करने जा रही है इस वक्त एक नंबर टीम विकी स्पोर्ट कुक से जयेश पाटिल, साथ ही साथ शेखर दलवी, महेंद्र और भावेश पवार, जबकि 2 इनफॉर्म बैट्समैन तालुका के इस वक्त शेखर दलवी और जयेश पाटिल विकी स्पोर्ट कुक से में। वेलकम जगदीश नाइक। नाना स्पोर्ट्स के
इन फॉर्म खिलाड़ी हैं और कैप्टन भी है, लक्ष्मण चौधरी जी उन्हें ये उस्मान मामू स्पॉन्सर हैंड वॉच दे रहे हैं, स्पोर्ट हैंड वॉच, और प्रदीप चौधरी उन्हें पॉइनियर स्पॉन्सर बैग देंगे। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन जगदीश नाइक। आइए मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज दोनों तरफ मूव कराते हैं, उंगलियों के जादूगर कुमार। और कुमार को ये सारी सौगात जो हम देने जा रहे हैं वो माजी महापौर और विद्यमान नगर सेवक, एक्स मेयर एंड रिसेंट कॉरपोरेटर, हमारे बहुत ही खास ताउनकार जावेद दलवी साहब, और खुसूसी शुक्रिया असफर बोलिंजकर साहब। आइए इम्तियाज बोलिंजकर आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, स्विस टू बुटीक के तौसीफ आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, कयाम शेख अल्ताफ भाई के भाई आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, एक्स क्रिकेटर और टीचर अकील सर आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, नू बगदादी आपको गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं 30,000 रुपये का, उमेर आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, मुझी भानी आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे जिसको थोड़ी देर के बाद दोस्तों आप सुनेंगे, रेहान साहब आपको 1,000 रुपये का लिफाफा देंगे। आप वाउचर और वो लेके आइए, बाकी तो पॉइनियर अपना काम कर देंगी। अनेक अनेक अभिनंदन कुमार। कहते हैं कि जब ट्रफ विकेट रहती है तो गेंदबाज को आधी ताकत मिल जाती है, क्योंकि अच्छी लेंथ और लाइन में जब गेंदे पड़ती है तो आधा काम तो विकेट करती है। इस विकेट पे बाली ट्रॉफी में गेंदबाजी करते हुए आपने कैसा फील किया? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, ऐसे भी दोबीतालों में बॉलिंग करते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मिट्टी का विकेट है, स्विंग ज़्यादा होती है और बॉलरों को ज़्यादा मदद मिलती है।